Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूँ रुधिर, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉपकॉर्न्स चैनल से कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, चंद्रयान 3 लैंडेड सक्सेसफुली, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन. ओके, तो देखते हैं भाई पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है. ठीक है, पाकिस्तान की आवाम का, उनकी जनता का, उनका पब्लिक का क्या रिएक्शन है हमारे चंद्रयान 3 के लिए, जो कि सक्सेसफुली लैंड हो चुका है मून पर. यस, और उसके साउथ पोल पर, जहाँ अभी तक कोई सा भी किसी भी कंट्री का कोई यान लैंड नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट. रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया. इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने. लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड यार. पहली बात, इंडिया ने प्रूफ किया कि वो एक कौम है, एक यूथ है जिन्होंने चांद पर जाने की हिमाकत की है, उन्होंने पूरी की है. और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें वही बहुत है. बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं. यहाँ पे वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे, चांद की छोटी बात उनके लिए. अब तो वो मार्स तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. वो अब पहुँच चुके हैं और हम लोग अभी शलवार के नारे में अटके हुए हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. इंडिया ने अपने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कर दिया है, क्या ख्याल हो जज्बात है आपके पाकिस्तानी होने के नाते? ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो चांद पे पहुंच गए हैं. पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, लेकिन तीसरा उन्होंने पहुंचा दिया. ये ले, हमने तो अभी तक डायग्राम भी नहीं बनाया कि हम इस तरह इस पे जाएंगे चांद पे. बेस्ट विशेस है इंडिया के लिए, इंडिया ऐसी तरक्की करता रहे. माना कि वो दो दफा पहले फेल हुए हैं, लेकिन इस दफा तो उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है भाईजान. ठीक है, वो अब इस टाइम चांद पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवार के नारे में अटके हुए हैं. तो सारे पाकिस्तानी वाले यही कोशिश करते, जाहिर सी बात है उनके साथ कम्पीट तो कर नहीं सकते इस मामले में. वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, कम्पीट तो हम उनको कर ही नहीं सकते. ठीक है, वो हमसे 100 साल आगे हैं. हम लोग पाकिस्तान में यही बैठ के सोचते थे कि यार ये यही दुआएं थी यार ये फेल हो जाएं. ठीक है, चंद्रयान 3 फेल हो जाए. लेकिन नहीं, उन्होंने दिखाया करके. और हम लोग ऐसा नहीं, पर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं भाईजान, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो उनको और कामयाबी मिलेगी फ्यूचर. यार आप मेरे ख्याल पूछते हैं, आप ये हिसाब लगा लें कि जब चंद्रयान मिशन पास हुआ था ना, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ा दिया था, मैं तो तब से लेकर अब तक वेट कर रहा था. 23 अगस्त का इन्होंने टाइम दिया था कि लैंड कर जाएगा. आज 23 अगस्त ही और देख लें उन्होंने लैंड कर दिया. एक खुशी भी हो रही है और ये भी हो रहा है कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है, हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल रही. यार पहली बात उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, और अगर पाकिस्तान से उनको रिलेट करूँ पहली बात, तो ये हमने भी तो झंडा लगाया है ना, हमारा खुद का अपना एक चांद है. पूछो कौन सा? वो बाघा बॉर्डर हमारा चांद है, जो 40 करोड़ का झंडा लगा वहाँ पे, वो हमारा चांद है. हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने वहाँ जाके बड़ा सा कुप्पा लगाना है. कुप्पे पे हमने बड़ा 40 करोड़ का झंडा लगाना है. वो कुप्पा एक बड़ा था, उस पर 40 करोड़ हमने ज़ाया किया है. और उन्होंने चांद में पहुँच कर अपना झंडा लगा के उन्होंने पैसे बर्बाद ही. उन्होंने बताया कि हम लोग कौम है, हम लोग यूथ हैं जो बैठी हुई एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे. क्या भाई बाघा बॉर्डर हमारे लिए बना हुआ है चांद, उस पर लगाना 50 करोड़ का झंडा. पहन जो आम मर रही है उनको मरने, तो उनको गैन के लिए रिसोर्सेज नहीं आनी. अभी मैं मेट्रो पे आ रहा हूँ, मेट्रो के बुरे हालात हो रहे, वहाँ एसी नहीं चल रहे, सब लोग गर्मी मर रहे हैं, गरीब लोग तो वहाँ पिसे हुए थे अंदर. इतनी की हब्बत सा सीन था. 50 करोड़ के अगर आप मेट्रो को सही कराते, आपकी आवाम तो खुश हो जाती है. झंडे में 50 करोड़ आपने ज़ाया किया है, हवा में ही उड़ रहा है, उसका क्या रिसोर्स है मुझे पहले ये बताओ. एक्चुअली पहले तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये यानी कि लॉन्च भी हो गया, और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच भी गया और लैंड भी हो गया. ये सरप्राइजिंगली न्यूज़ थी हम सब के लिए, बट बहुत ही अच्छा हुआ इंडिया के लिए. मैं गुड लक कहता हूँ, उन्होंने दुनिया के उस चांद के उस हिस्से पे लेके गए हैं जहाँ पर आज तक किसी ने इसको लैंड ही नहीं किया. नॉर्थ पोल के ऊपर डार्क साइड है वो चांद के साइड, तो देखे ना. तो ये बस इंडिया ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की है, दुनिया को में अपना लोहा मनवाया बेसिकली इंडिया ने कि यार हम लोग कुछ हैं. इसरो ने बताया कि भाई जान हमारा जो यानी कि जो चीज़ हमने लॉन्च की है दुनिया की बेहतरीन चीज़ मंगलयान पहुंच गया. अब उन्होंने बता दिया रशिया को देख ले, रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया. इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने. लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड ये मोमेंट है कि हम बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस बात के इंतजार कर रहे थे कि शायद उनका ये मिशन भी फेल हो जाए, हम उनका मजाक बनाए.
वाकई यार पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बहुत ही मजाक उड़ाया, क्योंकि लास्ट जो उनका इंसिडेंट हुआ था ना उसको बेस बना गए। बट इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए, हम सबको सीखने की जरूरत है। सीखा तो है कि इंडिया ने किस तरह अपनी मेहनत करके, किस तरह उन्होंने इसको तैयार किया, किस तरह अपना लोहा मनवाया, तो ये इंडिया की अचीवमेंट है यार, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, आज इंडिया चांद पे पहुँच गया और पाकिस्तान को देख लें, पोलिटिकल इशूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, अनस्टेबल इकोनॉमी है, खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हमें आटा मिल जाए, यहाँ पे आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आटे का रेट अभी बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट भी 5 रुपये बढ़ा है, आज मैंने देखा रेट बढ़ गया 5 रुपये यार, तो क्या हम लोग गुजारा करेंगे मुझे। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें 14 अगस्त के लिए क्या गिफ्ट किया है, जैसे इंडिया ने अपनी 15 अगस्त के लिए चांद पे गए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या विश किया? हमारी गवर्नमेंट ने हमें पेट्रोल गिफ्ट किया था, 20 रुपये महंगा हुआ था, उसके बाद आज इंडिया ने चांद पे अपना लैंड किया है चंद्रयान, और हमने देखे कि 5 रुपये बिजली महंगी कर दी है, यही हुआ और क्या हुआ। हे भगवान यार, पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं है ना, जो वाकई जेन्युइनली पाकिस्तान के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है कि हाँ हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है ना, जेन्युइनली जो अपने देश के लिए परेशान रहते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो जिनको लगता है कि हाँ नहीं मतलब इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हमारा पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब धोखे में जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझदार भी हैं जो मतलब किसी की अचीवमेंट पे उन्हें कॉन्ग्रेट्स करना जानते हैं, उन्हें शाबाशी देना जानते हैं, ठीक है उन्हें प्रेज करना जानते हैं। चलो अच्छी बात है, ये देखकर अच्छा लगा कि हाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, ठीक है पाकिस्तान में थोड़े समझदार टाइप के है ना, कि हाँ भाई जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है उसको कांग्रेस करना तो बनता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पहली बात तो मैं इंडिया से हूँ और इंडिया से होने के नाते पाकिस्तान के जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को बधाई दे रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब हमारे इसरो की ये जो जीत है ना, इसने सबको एक बार फिर से मनवा दिया है ये चीज़ कि जिसको लोग भले ही हमारे देश पे कितने ही लोग कार्टून बनाते हों है ना, कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा बोल देते हों, जिन्हें सपेरों का देश बोलते हैं लोग अक्सर बाहर में, देखो हमें स्नेक चार्मर्स का कंट्री बोला जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉरेन सो कॉल्ड बहुत ही डेवलप्ड देश हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर बद्दे बद्दे कार्टून बनाए हैं, ठीक है, वाहियात से वाहियात, कभी कभी तो धार्मिक ऐसे वाहियात कार्टून्स एनिमेशंस ये बना देते हैं, ठीक, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये देश बस सपेरों का देश है, लेकिन शेषनाग बन गया है आज ये देश हमारा, ठीक है, और बहुत ही तड़कता भड़कता जवाब दिया है इंडिया ने अपने काम से, है ना, सिर्फ मुँह से नहीं काम से, अपने काम से जवाब दिया है इंडिया ने, और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ऑब्वियसली यार देखो मैं पाकिस्तान के लिए भी बुरा नहीं बोलती, ठीक है, मुझे बस इतनी सी एक खलिश है कि हाँ पाकिस्तान के जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं या आर्मी पर्सन्स हैं, ठीक है, मीडिया है, अगर ये आवाम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है, जनता की तरफ ध्यान दे, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे, देश के विकास पर ध्यान दे, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों से लड़ने में दूसरे दूसरे जगहों पर मतलब ये इधर उधर लड़ाई झगड़ा करने में या खुन्नसें निकालने में या इस चीज़ में ना रहकर अगर अपने देश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे भी लगता है कि हाँ पाकिस्तान काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है ना, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो पता नहीं उस चीज़ पर ध्यान ही क्यों नहीं देते हैं, गॉड नोस। खैर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों के रिएक्शंस का, ठीक है, जो आपने इंडिया को कांग्रेस किया है, थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।